आपने दुनिया के कई जंगलों के बारे में सुना होगा। कुछ बेहद खूबसूरत होते हैं तो कुछ काफी रहस्यमय। लेकिन एक ऐसा जंगल भी है जिसे दुनिया का सबसे डरावना जंगल कहा जाता है। कहते हैं कि इस जंगल में अगर कोई भटक जाए तो यहां से वापस लौटना नामुमकिन है। आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह बात हकीकत है। इस जंगल पर अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं, मगर फिल्म या तस्वीरों में जंगल का कुछ ही हिस्सा आपको देखने को मिलता है। असलियत में यह जंगल इतना विशाल है कि यह अकेले ही 9 देशों की सीमाओं को छूता है। यह जंगल देखने में ही बेहद डरावना सा जंगल है। दोस्तों, इस जंगल का नाम अमेजन का जंगल है। यह जंगल दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में स्थित है। इस जंगल को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस धरती के कुल ऑक्सीजन का 20% हिस्सा हमें इस जंगल से मिलता है। यह चौड़ी पत्तियों और नमी युक्त वन है जो 70 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात 1.7 अरब एकड़ में फैला हुआ है। घना जंगल होने के कारण यहाँ सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे यहाँ दिन में भी अंधेरा छाया रहता है। इस जंगल के मौजूद नदियों में एनाकोंडा से लेकर पिरान्हा और बिजली पैदा करने वाली मछलियां भी मिलती है। इसके अलावा इस जंगल में पिशाच चमगादड़ भी पाए जाते हैं, जो कई तरह के जानलेवा बीमारियों को फैलाते हैं। कहा जाता है कि धरती पर अमेजन जंगल का अस्तित्व करीब 550 लाख सालों से है। यहाँ दुनिया की 10% से ज्यादा प्रजातियों के जीव जंतु और 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। अमेजन के जंगलों में 500 से ज्यादा आदिवासी प्रजातियां रहती हैं। इनमें से करीब 50% आदिवासी प्रजातियां ऐसी है जिन्होंने कभी बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं किया है। दोस्तों, यह जंगल धरती का एक अनोखा एवं रहस्यमय जंगल है। इसे अंतरिक्ष से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।